कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बचे हुए टॉपिक्स के जो एक दो क्वेश्चन है वो मैं आपको करा दे रहा हूँ आज मॉड्यूल के बचे हुए क्वेश्चन जो है। इलस्ट्रेशन 14 एक बार देखने बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन हो गया था मुझे पता है, क्या बात समझ में आ रही है, दो मिनट रीड करो बस। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी एंड इट्स स्पेसिफिक कॉस्ट आर गिवन बिलो, फाइंड आउट द सिंपल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमने निकाल लिया था, ये डेट दिया था 15 लाख, प्रेफरेंस दिया था 10 लाख, इक्विटी शेयर दिए थे 2 लाख, रिटेन अर्निंग दिए थे 5 लाख, सब मिला कितना हो रहा था बताओ मुझे, 50 लाख। ओके, ये ने यहाँ लिख दिया टोटल गलत, यहाँ यहाँ होना चाहिए था, ठीक है क्या। और फिर हमने आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ दिया था, हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल ली थी, सिंपल, हाँ या ना बोलो, ये क्वेश्चन कर चुके थे। फिर इनने बोला है क्वेश्चन नंबर 16 में, इफ इलस्ट्रेशन नंबर 14 द फर्म बिलीव, समझ गए 14 क्यों पढ़ रहे थे, लगे रहे तो पीछे बिल्कुल। द फर्म बिलीव दैट इट्स ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर इज कंसिस्टिंग 40% डेट, 10% प्रेफरेंस, 35% इक्विटी एंड 15% रिटेन अर्निंग। उनका कहना है कि हमें इतना परसेंटेज चाहिए, कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग टारगेट वेट्स। मतलब कि अभी पिछले में कैपिटल कितनी थी, 50 लाख बोलो, हाँ 50 लाख थी, 50 लाख में ये रेशियो तय कर दो, 40% क्या हो जाएगा तुम्हारा डेट, 10% प्रेफरेंस, 35% इक्विटी, 15% रिटेन अर्निंग्स, और फिर उसके बेसिस में क्या निकाल लोगे, WACC, क्या निकाल लोगे, WACC बनेगा, करो जल्दी 2 मिनट के अंदर, जल्दी जल्दी करना, आज टाइम नहीं वेस्ट करना बिल्कुल भी।
हो गया। कौन सा क्वेश्चन था? 14, चैप्टर 14 था ना। कौन सा क्वेश्चन था मुझे बताओ? 16, 17 देखो, उसने बता दिया है कि क्वेश्चन नंबर 17 एक बार देखो सब लोग फटाक से, बुक में ही देख लो जब तक स्क्रीन में, अगर नहीं भी आ रहा है तो। क्या बोल रहा है? कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन अ स्पेसिफिक सोर्स इज अंडर, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर दिया हुआ है, केडी दिया हुआ है, केपी दिया हुआ है, केई दिया हुआ है, केआरई दिया हुआ है, ठीक है क्या? द कंपनी विशेस टू रेट 5 लाख फॉर द एक्सपेंशन ऑफ इट्स प्लांट। कंपनी को 5 लाख की जरूरत है, 1 लाख रिटेन अर्निंग से मिलेगा, 3 लाख डेट से मिलेगा, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर से मिलेगा, कुछ नहीं VWAC से निकालना है तुमको। ऊपर कॉस्ट दी हुई है, क्या दी हुई है? दिख रही है कितनी कितनी अलग अलग रेट से दी हुई है? 5 लाख के लिए 5 लाख में से 1 लाख क्या हो जाएगा? रिटेन अर्निंग्स, 3 लाख क्या हो जाएगा? डेट, और 1 लाख क्या हो जाएगा? प्रेफरेंस, इक्विटी का कुछ भी नहीं रहेगा। हाँ या ना बोलो, पक्का करो सॉल्व जल्दी से, बेसिक क्वेश्चन है। हाँ है ही नहीं इक्विटी तो क्या? इसको मार्जिनल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एडिशनल फंड्स ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? कंपनी ऑलरेडी चल रही थी, एडिशनल फंड 5 लाख के चाहिए जिसमें इक्विटी हमको नहीं चाहिए, 1 लाख रिटेन अर्निंग से चाहिए, इतना डेट से चाहिए, इतना प्रेफरेंस से चाहिए, बात समझ में आ रही? इसलिए बस नाम बदल गया, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कहाँ दिया है? क्या बोला? तो है क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो पहले 2 मिनट। बेटा बेटा बेटा, सबको अपना अपना करने दो ना, क्वेश्चन पढ़ोगी सब समझ आ जाएगा। एक मिनट। हाँ बेटा, क्वेश्चन पढ़ेगी तो समझ में आ जाएगा, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, पढ़े एक बार उसको। ये नई किताब है पुरानी?
हो गया अगला। इस वाले का आंसर कितना आया मेरे को आप बताओगे? मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर कौन सा है जिसकी स्क्रीन में नहीं आ रहा है वो पकड़ के चले। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? इलस्ट्रेशन हाँ बेटा। एक सेकंड देख लेते, क्वेश्चन देखना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन 17 आपका हो गया। नाइनटीन कर रहे हो? कौन सा कर रहे हो? 17 हो गया आपका। बेसिक था 3 लाख, 1 लाख, 1 लाख को आपने WACC निकाल लिया होगा, 7.6 आ गया होगा। 18 एक बार रीड कर रहा हूँ आपके लिए। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एसक्यूएल इज अंडर 3,012% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, 2,012% प्रेफरेंस ऑफ 100 ईच, 4,000 इक्विटी ऑफ 100 ईच और 1 लाख की रिटेन अर्निंग्स। द अर्निंग शेयर ऑफ द पर शेयर ऑफ द कंपनी पोस्ट टैक्स पोस्ट मेनी ईयर्स हैव बीन ₹15, पास्ट मेनी ईयर्स सॉरी। तो ईपीएस कितना दिया है? 15। द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर सोल्ड इन द मार्केट एट बुक वैल्यू पे सेल लेते हैं। द कंपनी टैक्स रेट इज 50%। द शेयर होल्डर्स टैक्स लाइबिलिटी में बी अज्यूम्ड एज 25%। फाइंड आउट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आप क्या निकालोगे पहले? ईपीएस अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगी? ईपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। ईपीएस कितना दिया हुआ है? 15 है ना। और मार्केट प्राइस कितनी है जो उन्होंने बोला? बुक वैल्यू। क्या बोली है? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी रहेगी तुम्हारी? एक सेकेंड। नहीं, 5 लाख डिवाइडेड बाय 4,000 करो कितना होगा? डिवाइडेड बाय 4,000। क्या बात सन मेरी भाई? बुक वैल्यू में सिर्फ इक्विटी नहीं आता, क्या आता है? इक्विटी प्लस रिजर्व्स। तुम लोग को आंसर चाहिए तो कहीं से कुछ भी निकाल लो, ठीक है क्या? 4 लाख की इक्विटी है बोलो हाँ, 1 लाख की क्या है? रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स भी शेयर की बुक वैल्यू पे ही आता है। 5 लाख डिवाइडेड बाय 4,000 क्या आ गई तुम्हारी? बुक वैल्यू पर शेयर कितनी आ गई? 125। कितनी आ गई? 125। ईपीएस तुमको दिया हुआ है कितना? दिया हुआ है ईपीएस 15। ईपीएस कितना दिया हुआ है? 15। एमपीएस कितना दिया हुआ है? 125 इंटू 100 के ही आ जाएगा बोलो हाँ, पक्का? रिटेन अर्निंग्स निकालने के लिए हम करते थे केआरई निकालने के लिए, याद है क्या करते थे हम? केआरई निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, याद? बताओ क्या बताया था? बताओ बताओ बताओ, खोल के देखो ना बुक में, लिखवाया था। माइनस पर्सनल टैक्स करते थे उसमें, केआरई का फॉर्मूला। केआरई का फॉर्मूला देखो, क्या 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 क्या? हाँ हाँ टी क्या था? टी क्या था? एक जगह था कॉर्पोरेट टैक्स, एक जगह था पर्सनल टैक्स, याद है? क्या था फॉर्मूला बताओ एक बार, बोलो फिर से बोलो क्या था? टी मतलब कौन सा टैक्स था? पर्सनल टैक्स, याद आ रहा है? डिवाइडेड बाय एमपीएस 1 माइनस टी, और नीचे वाला टी कौन सा था? कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है क्या? तो जो तुमको पर्सनल टैक्स दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 25%। कितना दिया हुआ है? 25%। दिख रहा है क्या? ईपीएस कितना है तुम्हारा? 15। ईपीएस तुम्हारा कितना है? 15। उसी को डीपीएस मान लेंगे क्योंकि पता, 15 माइनस कितना करोगे तुम? 25%। 15 माइनस कितना करोगे? 25%। कितना हो जाएगा? 11.25। कितना जाएगा? 11.25। कॉर्पोरेट टैक्स दिया हुआ है क्या?
केआरई में 50% माइनस होना चाहिए ना उस हिसाब से। एक काम करो इसको 2 मिनट के लिए स्टार बनाओ, मैं देखता हूँ, मेरा पेन भी पूरे से चल नहीं रहा है एक्चुअली में। कौन सा क्वेश्चन किया अभी आपने, 17 किया ना, 18 था ना ये, 19 पे आओ एक मिनट। 19 देखो, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए लिमिटेड एज फॉलोज, 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, 20 लाख, 10% प्रेफरेंस शेयर 5 लाख, 10% मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर 160, इट एक्सपेक्टेड द कंपनी विल पे करेंट डिविडेंड 20 व्हिच विल ग्रो एट द रेट ऑफ 7.5% पर एनम। क्या हो जाएगा ग्रोथ वाला, याद हो जाएगा फॉर्मूला क्या होगा, पी जीरो इज इक्वल टू डी वन अपॉन के ई माइनस जी, या के ई निकलना है तो डी वन अपॉन पी जीरो इंटू 100 प्लस जी, याद है ठीक है। टैक्स रेट दिया, यू रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेस्ड ऑन द एक्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। पहले ए निकालो फिर बी और सी की बात करेंगे, जल्दी करो। कौन सा करा रहा हूं मैं, 18 वाला, 2 मिनट रुक जाओ, चार्ज हो जाए फिर मैं करा दे रहा हूं। कैसे निकालोगे केई, कैसे निकालोगे बताओ, बता दे रहा हूं मैं, केई कैसे निकालोगे बताओ, डी डी वन अपॉन पी जीरो इंटू 100 प्लस जी आ जाएगा। केपी कैसे निकल जाएगा, मतलब 10% ही आ जाएगा केपी, केडी कितना हो जाएगा 12% आफ्टर टैक्स, टैक्स रेट कितना दिया हुआ है 50%, कितना आ जाएगा 6%, सोर्स वेट रेट WACC बन जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन जो कर रहे थे वही करो जल्दी। चलो हो गया बेटा, पीछे आया जल्दी करो, पैनी सुधार लो तुम, जल्दी करो ना। आ गया कितना आया WCC बता, हम तो कैसे कर लिया फिर, इसको कर लिया नहीं बोलते हैं।
अरे होगा हो कि नहीं, सेकंड विजेस का हो गया, सेकंड वाला ट्राई करो क्या बोल रहा है। द न्यू वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ द कंपनी रेजेस एडिशनल 10 लाख डेट बाय इशूइंग 4% डिबेंचर, तो टोटल कैपिटल 10 लाख की जगह कितनी हो जाएगी 20 लाख, 10 लाख और रेस कर दिया उसने, ठीक है क्या। और डेट एक कितना परसेंट वाला हो जाएगा, 14% वाला। अभी कितने परसेंट वाला था ऑलरेडी जो क्वेश्चन में था, सॉरी सॉरी, 10 14, डेट कितना था अभी तक 15, और अब कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25, और 14% वाला था, 12% वाला अलग रहेगा, 14% वाला अलग रहेगा, 12% वाला डेट रहेगा कितना 15 लाख, और 14% वाला डेट एक और हो जाएगा 10 लाख। क्या बात समझ में आ रही है। फिर उसमें क्या होगा, डीपीएस चेंज हो जाएगा तो के ही नया आ जाएगा, ठीक है बस, बाकी केडी केपी पुराने वाले सेम रहेंगे, और नया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप निकाल लोगे। नहीं समझे ये वाला, सुने नहीं आधे लोग ने सेकंड वाला, पहले फर्स्ट ही वाला कर रहे हैं। जल्दी करो ना, हो गया फर्स्ट वाला, कितना आया डब्ल्यूसीसी फर्स्ट वाला, क्या निकाल, नहीं तू फर्स्ट वाले में निकाला क्या, तू नहीं ये बता, क्या ही निकाल रही थी इतनी देर में, क्या ही निकाला भाई, डब्ल्यूसीसी निकालना है, खास साहब बोला है वेटेड कॉस्ट ऑफ सिस्टम कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या कर रहे हो यार तुम लोग यार, मुझे माफ करना ओम साई राम, मुझे माफ करना ओम साई राम, इन नलायकों को कैसे करूंगा पास, मुझे माफ करना ओम साई राम, माफ करना ओम साई राम, तुझसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम। चलो अरे यार तुमने रहन दो यार, रहन भक्त साले, इतनी देर में तुम लोग, इक्विटी 20 लाख है बोलो ना, प्रेफरेंस 5 लाख है, डिबेंचर कितने का है 15 लाख का है, ओहो, केडी के ही केपी निकाल लिया था, केपी तो सेम ही रहेगा 10%, कौन सा डेट है कौन सा इक्विटी कौन सा प्रेफरेंस भूल गया, 20 5 10 इक्विटी प्रेफरेंस डेट, 20 5 10 इक्विटी प्रेफरेंस डेट, ये 10% है, डेट कितने परसेंट है, 12% माइनस 50% तो कितना हो जाएगा 6%, और केई कितना आया तुमने निकाला होगा, डीपीएस अपॉन एमपीएस इन 200 प्लस जी, पक्का डब्ल्यूएससीसी आ गया सबका, अब ये करके नहीं बताऊंगा यार कितना आएगा डब्ल्यूएससीसी। अब 2 मिनट सेकंड सुन लो, क्या बोला, न्यू वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, यहां सुन लो, न्यू वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है इफ कंपनी रेजेस एडिशनल डेट ऑफ 10 लाख, एडिशनल डेट ऑफ 10 लाख, 14% डिबेंचर, अभी तक डिबेंचर कितने परसेंट वाले थे, ये थे ना डिबेंचर कितने परसेंट वाले थे 12%, अब एक और डिबेंचर जुड़ जाएंगे कौन से 14% वाले, कितने का डेट आ जाएगा 10 लाख, और 14% वाले की कॉस्ट कितनी आएगी 7, अरे आया कि नहीं आया, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा है ना, के ही चेंज हो जाएगा, प्रेफरेंस सेम रहेगा, डेट ये सेम रहेगा, एक और डेट आ गया 6%, इक्विटी 20% की जगह के ही चेंज हो जाएगा, क्यों के ही के चेंज हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला है, डिविडेंड रेट 25 हो गया, डिविडेंड रेट कितना हो गया है 25, 20 की जगह, और ग्रोथ रेट सेम है बट प्राइस 25, 125, 150 हो गया, प्राइस कितना हो गया है 150, तो कैसे निकालोगे, 25 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100 प्लस ग्रोथ सेम है, ग्रोथ कितना है 7.5, नया के ही निकालो कितना आएगा, ये आ गया 20 की जगह कितना आ गया 24.1, कितनों को समझ आया क्या किया, कितनों को समझ आया क्या किया, कुछ नहीं था, नया डेट इशू हुआ है जिसके कारण से इक्विटी की प्राइस और डिविडेंड रेट चेंज हो गया है, तो नया के ही निकलेगा और एक सोर्स और बढ़ जाएगा, प्रेफरेंस सेम है, डिविडेंड डिबेंचर सेम है, एक डिबेंचर और बढ़ गया है ना, और एक इक्विटी का रेट चेंज हो गया, बाकी पूरा नया सेम है, डब्ल्यूसीसी निकल जाएगा, बन जाएगा, कर लोगे हाँ ना बोलो, अभी नहीं होमवर्क कर लेना, आगे बढ़ो जीवन में, आगे बढ़ो, आज खत्म करना, फिर से थोड़ी उठाऊंगा इसको मैं,
चलो बाकी के केस स्टडीज आपकी होमवर्क है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वही होता है एडिशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है क्या, ये आपको बन जाएंगे। अपन ने स्कैनर के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, केस स्टडी के रिपीट क्वेश्चन ये आप कर लेंगे, अगर आपको कोई डाउट आएगा तो आप पूछ लेंगे। क्लियर है क्या? इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल का एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है क्या। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बचे हुए टॉपिक से ये भी वाइंड अप हो गए हैं, कल हम कैपिटल स्ट्रक्चर कैरी ऑन करेंगे, चल जाएगा क्या? अरे हाँ ना बोलो, मुझे लगा था ये सब स्कैनर में कवर हो ही गए थे, कुछ नया नहीं था, ठीक है स्टिल, लेकिन बोल रहे थे बच्चे तो मैंने करा दिया, चल जाएगा। आज की सभा समाप्त, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।